हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है करने वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। ऐसा जीवन नहीं जो एक दिन का है, दो दिन का, तीन दिन का, चार दिन का, ऐसा जीवन नहीं हमारे परमेश्वर ने दिया है। हजार साल का जीवन परमेश्वर ने दिया है जो कभी नाश नहीं होता है। अजर मिराज का जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है, उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वैसा प्रेम कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। वो इतना प्रेम करता है, उसने अपनी जान देके साबित करके दिखा दिया कि उसने हम सभी से कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया। उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किले ठोकी गई, मुख पर थूका गया, सिर पे कांटों का ताज बनाया गया, कोड़े लगवाए गए, किले ठोकी गई, सिर्फ हम सभी के खातिर जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजन, जरा सोचो, आज भाई भाई का लोग कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो मेरे प्रियजनों, सोचो आपके लिए कौन कोड़े खाएगा, कौन लहू बहाएगा, कौन सिर का सिर पे कांटों का ताज पहनवाएगा, अपने ऊपर लेगा, कौन मुँह पर थुकवाएगा, कौन कोड़े खाएगा। अपने दिल में गहराई से ये बात सोच कर देखना मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने हम सभी से कितना प्रेम किया। वो उसका प्रेम बहुत बड़ा है, उसने हम सभी से बहुत प्रेम किया है, बहुत प्रेम किया। मेरे पीछे पाप करके, बेबीचार करके, उसके लहू को व्यर्थ मत करो, बर्बाद मत करो। मेरे प्रियजनों, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, मुख पर थूका गया। मेरे प्रियजनों, मुख पर थूका गया सिर्फ हम सभी के खातिर, हम सभी के खातिर। मेरे प्रियजनों, जरा सोचो, जरा सोचो मेरे प्रियजनों, सोचो मेरे प्रियजनों। यदि आप किसी भी हालत में हैं, बुरी परिस्थिति में हैं, टूट चुके हैं, परेशान हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, उस महान परमेश्वर से बोलना है। आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी, आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रियजनों, हमें डरना घबराना नहीं है, परमेश्वर से बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से ख़त्म करेगा। मेरे प्रियजनों, हमें विश्वास करने की आवश्यकताएँ हैं। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्रियजन, विश्वास करने की हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह का वचन कहता है, हर मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के खातिर उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और वह हमारे जीवन में काम करेगा, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। मेरे प्रियजन, वह प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करना है, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, विश्वास करोगे तो बड़े बड़े कामों को देखोगे, मिराकल को देखोगे। मेरे प्रियजन, में विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इतना महान परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ देगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर खत्म करेगा। हमें विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं। इतना महान परमेश्वर है, आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके घर की गरीबी दूर होंगी, आपके घर में बड़ी आशीष आएगी, आपके घर में बड़े बड़े बदलाव होंगे, आपके घर में मेरा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। हमें विश्वास करना है, आपको विश्वास है तो परमेश्वर काम करेगा। डरने की, घबराने की आवश्यकताएँ नहीं है। दुष्ट आत्माएँ, गंदी आत्माएँ यीशु मसीह के नाम से डरती हैं, थरथराती कांपती हैं, वो डरती हैं यीशु मसीह से कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। वे विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, टूट चुके हैं, हर प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, जकड़े हुए हैं, जूझ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर खत्म करेगा, वह जड़ से ख़त्म करेगा। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मेरे प्रियजन, यदि आपके जीवन में बच्चे की आशीष नहीं है, बच्चे की आशीष चाहिए, तो इस प्रार्थना को सुनिए। यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सारे रास्ते दरवाजे बंद हो चुके हैं, निराश हैं, टूट चुके हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है। ये वीडियो रिकॉर्ड करो, तो विश्वास करने की आवश्यकताएँ हैं। वो महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोंछ देगा। विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने हम सभी को मेरे परमेश्वर जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा मेरे पिता, हम सभी को अपने पंखों के आड़ में छिपा कर रखा मेरे प्रभु। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो बीमार पड़े जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, उन्हें चंगा कर पिता, उनके घाव को भर मेरे परमेश्वर, बड़े बड़े काम कर उनके जीवन में, सुमसी के नाम से मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर। आप महान हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक है मेरे प्रियजनों। हम सभी को विश्वास करना है मेरे प्रियजनों, मेरे पिता जो आपने हम सभी को जूतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रियजनों। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे मेरे परमेश्वर, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते मेरे परमेश्वर, वे मर गए होंगे पिता, वे अचानक मर गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे मेरे परमेश्वर, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं गंध उड़ता रहता है मेरे परमेश्वर। आपने कहा है उन आग के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, उन आग में परे हुए कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं निरंतर उठता रहता है मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को इस संसार से चुना है पिता। आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे माता की गर्भ से ही चुना है, मैंने तुझी पर चित लगाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, तू मेरा ही जन है, तू मेरा ही बेटा बेटी है मेरे पिता। आपने हम सभी को मित्र कहा है प्रभु, मित्र बोला है मेरे परमेश्वर, हम सभी आपके मित्र हैं, बेटे बेटियां हैं मेरे परमेश्वर। आप हम सभी से बहुत प्रेम किया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, 39 कोड़े लगवाए गए मेरे परमेश्वर, उन 39 कोड़े के साथ मांस खींच खींच कर चलाता था मेरे परमेश्वर, हम सभी के खातिर मेरे परमेश्वर, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी मेरे परमेश्वर, वो सजा यीशु मसीह आपने अपने ऊपर लिया, पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, खुद परमेश्वर पिता जो आप मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए मेरे परमेश्वर, 30 साल की उम्र में मेरे परमेश्वर आपने दुख तकलीफ में गुजार दिए, सिर्फ हम सभी पापियों के खातिर, इन सारे मानव जात के पाप के खातिर मेरे परमेश्वर आपने अपनी जान दे दिया, आपने पापों का बोझ उठा लिया मेरे परमेश्वर। आप तो यहाँ जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, जीवन देने आए थे मेरे परमेश्वर, आप तो जीवन बदलते हैं मेरे परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े मेरे परमेश्वर, रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे पिता, कैंसर, गिल्टी, रसोलिया, पथरिया, ट्यूमर वगैरह में लिप्त है मेरे परमेश्वर, जो इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका आज होना, बिलखना, चलाना बंद होगा, आज बड़े बड़े काम होंगे मेरे परमेश्वर। गिल्टी, रसोलिया, पथरिया, ट्यूमर, बाहर बाहर यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। जिन बहनों को बच्चे चाहिए, बच्चे के आशीष नहीं मिल रही मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से 90 साल की आयु में मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने सारा को बच्चे दिए थे मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार से इन बहनों को बच्चे दीजिए, बच्चे की आशीष ट्रांसफर होने पाए स्वर्ग से, बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता। प्रार्थना करते जो गरीब है, लाचार है मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी को मेरे प्रभु आप दूर कीजिए पिता, बड़े बड़े काम कीजिए मेरे परमेश्वर, मिराकल कीजिए प्रभु, अद्भुत चिन्ह चमत्कार कीजिए मेरे परमेश्वर, आप बड़े बड़े काम कर रहे परमेश्वर हैं, आप यहोवा जुलावर हैं मेरे परमेश्वर, यहोवा यरीहो हैं आप पिता, आप अल्फा ओमेगा हैं मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो मसीह भाई मेरे रातें में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना मेरे परमेश्वर। मुझे आशा है, विश्वास है पिता आपने प्रण को सुना है, ये छोटे स्मृति उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।